हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिप्लोमा विद सोनू। आज हम लोग बात करने वाले हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के बारे में। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग को एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ये सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आज इस लेक्चर में हम लोग टॉप 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट का, ACTE का। ठीक है फ्रेंड, जो कि इंडिया नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी द्वारा दिया हुआ PDF के अनुसार है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए सबसे फर्स्टली क्वेश्चन को देखते हैं एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। देखिए फ्रेंड, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट हैव इंटरमीडिएट साइकिल ऑफ वर्क। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का क्या होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स है, इनमें से कौन सा है जिसको टाइप होता है उस इक्विपमेंट का जिसके पास इंटरमीडिएट साइकिल ऑफ वर्क के लिए वो टाइप है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है वो है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट ही क्या, एक टाइप होता है, टाइप ऑफ इक्विपमेंट होता है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट साइकिल ऑफ वर्क के लिए उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट हैव अ कंटिन्यूस फ्लो वर्क टर्नड आउट। तो इनमें से कौन सा ऐसा है कि जिसको पास कंटिन्यूस फ्लो होता है जो जब वर्क होता है तब। तो जो करेक्ट ऑप्शन इसका है फ्रेंड वो है कंटिन्यूस फ्लो। कंटिन्यूस फ्लो का ही है जो ऐसा टाइप होता है इक्विपमेंट का जिसको फ्लो ऑफ वर्क टर्नड आउट के लिए उपयोग किया जाता है। करेक्ट ऑप्शन हम लोग का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड, तो आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए फ्रेंड, इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो कि है, टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इंटरमीडिएट एज वेल एज कंटिन्यूस फ्लो टाइप इक्विपमेंट। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम लोग इंटरमीडिएट भी बोलते हैं और कंटिन्यूस फ्लो टाइप इक्विपमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड वो हम लोग का करेक्ट ऑप्शन होगा मिक्स्ड। जो यहाँ पे आप लोग करेक्ट ऑप्शन देख रहे होंगे, बी ऑप्शन करेक्ट है। मिक्स्ड टाइप ऑफ इक्विपमेंट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ इंटरमीडिएट एज वेल एज कंटिन्यूस फ्लो टाइप ऑफ इक्विपमेंट। इसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, वो बोला जा रहा है कि द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ एन इक्विपमेंट मेनली इंक्लूड्स द अमाउंट स्पेंट फॉर फ्यूल एंड लुब्रिकेटिंग वाइल। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है, आपको लोग के पास 10 सेकंड टाइम है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं देखूंगा। जिनका भी राइट आंसर होगा उनको मैं अगले वीडियो में टैग करूंगा कि ये आप लोग करेक्ट किए थे। तो आप लोग के पास 10 सेकंड टाइम रहता है, आप लोग कमेंट कर दिया करें और उसके बाद हम आपको आंसर दिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का आंसर वो है ऑपरेशन कॉस्ट। द ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ एन इक्विपमेंट मेनली इंक्लूड्स द अमाउंट स्पेंट फॉर फ्यूल एंड लुब्रिकेटिंग वाइल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है फिफ्थ नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स इज अ सेल्फ प्रोपेल्ड मशीन विच इज यूज्ड मेनली टू एग्जर्ट अ पावरफुल ट्रैक्टिव फोर्स फॉर पुलिंग अदर मशीन्स। इनमें से कौन सा ऐसा है कि जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेल्फ प्रोपल्ड मशीन के रूप में, जिसको मेनली पावरफुल ट्रैक्टिव फोर्स के जरिए पुल करते हैं किसी मशीन्स को। तो इनमें ट्रैक्टर, बुलडोजर, एंजल डोजर या स्क्रैपर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रैक्टर। ट्रैक्टर ही एक सेल्फ प्रोपल्ड मशीन है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पावरफुल ट्रैक्टिव फोर्स के लिए, इस्तेमाल करते हैं और किसी मशीन को पुल करने के लिए। इसके बाद सिक्स नंबर क्वेश्चन है, या फिल इन द ब्लैंक्स इज अ वेरी यूजफुल इक्विपमेंट एंड इट कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क लाइक टू क्लियर द साइट ऑफ वर्क टू मेक द लैंड लेवल ETC। इनमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है कि जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं साइट ऑफ वर्क को क्लियर करने के लिए या लैंड लेवल को लेवलिंग करने के लिए, स्क्रैपर, ग्रेडर या एक्सकेवेटर या बुलडोजर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है वो करेक्ट ऑप्शन है बुलडोजर। बुलडोजर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूजफुल इक्विपमेंट के रूप में इस प्रकार कि वहाँ पे हम लोग लैंड को लेवलिंग करने के लिए या
कंस्ट्रक्शन वर्क पे साइट क्लियरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसको अनदर नाम से जेसीबी के नाम से अगर आप लोग जानते होंगे, जेसीबी भी कितना लोग बोलते हैं, तो जेसीबी जोसेफ ग्रिल्ड बॉम्फार्ड के नाम से इसको जाना जाता है। जेसीबी की फुल फॉर्म भी देखिए, जेसीबी के फुल फॉर्म हम आपको बता देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कभी आपको कोई पूछ सकता है कि जेसीबी के फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए जेसीबी के फुल फॉर्म होता है जोसेफ क्रिल्ड बॉम्फार्ड, ठीक है, क्रिल्ड बॉम्फार्ड, बॉम्फार्ड ये होता है जेसीबी का फुल फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फ्रेंड, वो है 7 नंबर क्वेश्चन, द साइज ऑफ बुलडोजर इज इंडिकेटेड बाय द डायमेंशन ऑफ इट्स। किसी बुलडोजर का साइज हम लोग किसके डायमेंशन के रूप में उससे उसको जानते हैं, साइड का, टायर का, इंजन का या ब्लेड्स का। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है साइज ऑफ बुलडोजर इज इंडिकेटेड बाय डायमेंशन ऑफ इट्स ब्लेड्स। उसके ब्लेड के अनुसार हम लोग बुलडोजर का साइज के बारे में पता करते हैं कि बुलडोजर का कितना, कौन सा साइज में है बुलडोजर, तो उसको हम लोग अगर ब्लेड को चेक कर रहे हैं तो पता चल जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है जो कि है, ए फिल इन द ब्लैंक्स कैन बी यूज्ड ऑन वेट ग्राउंड इन ऑल कंडीशंस ऑफ वेदर। इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन है कि जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं वेट ग्राउंड पे ऑल कंडीशंस ऑफ वेदर में, सभी वेदरिंग कंडीशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्रेडर, स्क्रैपर, एस्केलेटर या बुलडोजर। तो इन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बुलडोजर। बुलडोजर का हम लोग वेट लैंड पे इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी भी मौसम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद है ए फिल इन द ब्लैंक्स इज यूज टू लेवल द ग्राउंड एंड स्प्रेड्स द लूज मटेरियल। इनमें से कौन सा ऐसा मशीन है या कौन सा ऐसा यहाँ पे वैन है, यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा ऐसा मशीन्स या मैकेनिज्म है कि जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेवलिंग ऑफ ग्राउंड के पर्पसेस के लिए या स्प्रेडिंग ऑफ लूज मटेरियल के लिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ग्रेडर। ग्रेडर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं लेवलिंग करने, लेवल ऑफ ग्राउंड करने के लिए या स्प्रेड्स ऑफ लूज मटेरियल के लिए। ये आप लोग बहुत ही रोड पर में देखे होंगे, रोड पे क्या कि जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है, रोड कंस्ट्रक्शन के समय में इसका इस्तेमाल किया जाता है ग्रेडर का। वहाँ पे क्या होता है कि आगे से यहाँ पे पिचिंग किया जाता है, ये क्या करता है लेवलिंग करते हुए चल लगता है, आगे की ओर बढ़ते रहता है। इसके द्वारा ये क्या होता है कि वहाँ पे जो रोड होता है एक लेवल के रूप में बनाया जाता है। तो ग्रेडर क्या है, ग्रेडर को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया है, तो ग्रेडर को भी हम आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए ग्रेडर क्या है, तो ग्रेडर इज सेल्फ प्रोपल्ड बाई अ ट्रैक्टर, इट कंजिस्ट ऑफ 3 to 4 inch लॉन्ग एंगल ब्लेड सपोर्टेड ऑन फ्रेमवर्क माउंटेड ऑन व्हील्स। ग्रेडर क्या है, तो ग्रेडर एक सेल्फ प्रोपल्ड ट्रैक्टर है जो कि इसको जो 3 to 4 meter इसका लॉन्ग होता है ब्लेड, और उसमें सपोर्ट किया जाता है फ्रेमवर्क के द्वारा, एक फ्रेमवर्क के द्वारा जो इस प्रकार फ्रेमवर्क है, ठीक है। इट परफॉर्म्स वेरियस ऑपरेशन लाइक ग्रेडिंग, स्प्रेडिंग, साइड कटिंग एंड मिक्सिंग ऑफ मटेरियल। तो इसको हम लोग बहुत सारे पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्रेडिंग, स्प्रेडिंग या साइड कटिंग या मिक्सिंग ऑफ मटेरियल के रूप में। तो इसी को हम लोग ग्रेडर बोलते हैं, आप लोग ग्रेडर समझ गए होंगे अब क्या होता है। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स कंसिस्ट ऑफ लार्ज बकेट व्हिच इज अटैच्ड टू अ ट्रैक्टर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कंजिस्ट करता है लार्ज बकेट, जिसको हम लोग ट्रैक्टर के साथ अटैच किया हुआ रहता है, बुलडोजर, स्क्रैपर, ग्रेडर या एक्सकलेटर। तो यहाँ पे जैसा कि देखते हैं करेक्ट ऑप्शन को, वो है स्क्रैपर। स्क्रैपर क्या होता है, उसमें एक लार्ज बकेट लगा हुआ हो जाता है जो ट्रैक्टर से अटैच होता है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एन फिल इन द ब्लैंक्स इज एन ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मशीन विच रिमूव्स अर्थ। ये ओल्डेस्ट टाइप मशीन कौन सा है कि जिसको हम लोग अर्थ मटेरियल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एस्केलेटर, एक्सकेवेटर, एलिवेटर या बुलडोजर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड वो है एक्सकेवेटर। एक्सकेवेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ओल्डेस्ट टाइप ऑफ मशीन ये है, इसका इस्तेमाल करते हैं रिमूविंग ऑफ अर्थ पर्पसेस के लिए। एक्सकेवेटर परफॉर्म्स इट वर्क ऑफ मूविंग द अर्थ वाइल द मेन यूनिट इज स्टेशनरी, द टाइटल एफर्ट इज रिक्वायर टू मूव द डेड वेट ऑफ अर्थ इन वर्टिकल प्लेन। ये वर्टिकल प्लेन पर अर्थ मटेरियल को बाहर निकालता है। एक्सकेवेटर मेनली परपसेस है कि इसका ओल्ड टाइप मशीन ये होता है जो अर्थ मटेरियल को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है जो कि है,
टाइप ऑफ एक्सकेवेटर यूज फॉर डिगिंग द फाउंडेशन ट्रेंचेस बिलो ऑपरेटिंग लेवल। कौन सा ऐसा टाइप ऑफ एक्सकेवेटर है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिलो ट्रेंचेज फाउंडेशन को डिग आउट करने के लिए? तो इसके में क्लैम्पसील होगा, या बैक ट्रेंच होए होगा, या पावर सोइल होगा, या स्कीमर होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टाइप ऑफ एक्सकेवेटर में बैक ट्रेंच होए। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिगिंग पर्पसेस के लिए बिलो द फाउंडेशन, ठीक है, फाउंडेशन ऑपरेटिंग लेवल के नीचे ट्रेंच बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि हम लोग बात किए थे जेसीबी के बारे में, तो देखिए यहाँ पे जेसीबी आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो इसी के फुल फॉर्म था जोसेफ ग्रिल्ड बॉम्फार्ड, ये कंपनी का नाम है जोसेफ ग्रिल्ड बॉम्फार्ड, ठीक है। तो अ बैक होल ऑल्सो कॉल्ड रियर एक्टर और बैक एक्टर इज ए टाइप ऑफ एक्सकेवेटिंग इक्विपमेंट और डिगर कंजिस्ट ऑफ डिगिंग बकेट, जो इसमें बकेट लगा हुआ है देख सकते हैं आप लोग, और इसमें ऑन द एंड ऑफ टू पार्ट ऑफ आर्टिकुलेटेड आर्म, जो आर्टिकुलेटेड आर्म के रूप में इसमें बकेट लगाया जाता है, इसको ट्रेंचेज डिग आउट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। टाइप ऑफ एक्सकेवेटर इज यूज्ड फॉर डिगिंग बिलो एट और अबव ऑपरेटिंग लेवल इन अ वर्टिकल रेंज। इनमें से कौन सा ऐसा एक्सकेवेटर है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिगिंग पर्पसेस के लिए वर्टिकल रेंज में? तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लैम्पसील। क्लैम्पसील का इस्तेमाल करते हैं अगर वर्टिकल रेंज में डिग आउट करना है उसके लिए। तो जैसा कि देख रहे होंगे आप, क्लैम्पसील क्या है आप लोग समझ सकते हैं। देखिए क्लैम्पसील में कुछ इस प्रकार का मटेरियल लगाया जाता है, इस प्रकार का डिवाइसेस लगा हुआ होता है, जिससे क्या होता है वर्टिकल रेंज में हम लोग ऑपरेटिंग लेवल में ही वर्टिकल रेंज में डिगिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो बिलो और एट और एबव इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्लैम्पसील्स का। तो क्लैम्पसील कुछ इस प्रकार का डिवाइस होता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ये क्लैम्पसील है, ठीक है, इसको क्लैम्पसील के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आइए समझते हैं क्लैम्पसील के पूरे डिफिनेशन के बारे में। तो देखिए सबसे आगे समझिए 5 में क्लैम्पसील क्या है। तो डिगिंग इज डन लाइक ड्रैग लाइन और वंस द बकेट इज फिल्ड इट वर्क्स लाइक ए क्रेन। ये एक क्रेन सिस्टम टाइप वर्क करता है, इसको यहाँ से गिराया जाता है और गिराने पे क्या होता है, ये नीचे जाकर ये वाला जो यहाँ पे डिवाइस दिखाते हैं आपको फ्रेंड, ये देखिए यहाँ पे जो खुला हुआ है यही क्या होता है यहाँ पे इस प्रकार में पैक है। जब ये नीचे जाएगा इसको गिराया जाएगा तो यहाँ पे आके खुल जाएगा, खुलने से क्या होता है ग्रेविटी के कारण यहाँ से आके यहाँ पे क्या होता है थोड़ा ज़मीन के नीचे धस जाता है। उसके बाद में यहाँ पे ये वर्क करता है पूरे वायर सिस्टम से, वायर सिस्टम क्या करता है इसको यहाँ से फिर से इसको जोड़ लेता है, जिससे क्या होता है यहाँ के जितना मटेरियल होते हैं यहाँ पे फिल हो जाते हैं। उसके बाद में इसको ऊपर निकाला जाता है, उसके बाद वहाँ पे मिट्टी को हटा लिया जाता है। तो ये इसी प्रकार में ये वर्क करता है। इट इज़ डिजाइन टू एक्सकेवेट मटेरियल्स इन वर्टिकल डायरेक्शन। इसको डिजाइन किया गया था वर्टिकल डायरेक्शन में मटेरियल्स को एक्सकेवेट करने के लिए। इट वर्क्स लाइक एन इन्वर्टेड जा विथ अ वाइटिंग मोशन। ये इन्वर्टेड जा और वाइटिंग मोशन के रूप में ये वर्क करता है। दे आर कैपेबल ऑफ वर्किंग एट एवव और बिलो द ग्राउंड लेवल। ये चाहे तो एवव या एट या बिलो द ग्राउंड लेवल वर्क के लिए ये कर सकता है। इट कंजिस्ट ऑफ क्राम सेल बट बकेट हंग फ्रॉम अ लाइटिस बॉम क्रेन। एक लाइटिस बॉम क्रेन में इसको बोला जा रहा है यहाँ पे क्राम सेल के नाम से इसको जाना जा रहा है, क्लैम्प सेल, ठीक है, क्लैम्प सेल, तो यही यहाँ पे होता है क्लैम्प सेल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को। 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, टाइप ऑफ एक्सकेवेटर कैरीज सोवेल एट इट्स लोअर एंड। कौन सा ऐसा टाइप होता है एक्सकेवेटर का जो सोवेल को अपने लोअर एंड पे रखता है, लोअर एंड पे सोवेल उसको होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पावर सोवेल क्या होता है, उसमें लगाया जाता है सोवेल, ये सोवेल है, इसको लगाया जाता है एट द एंड, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, टाइप ऑफ एक्सकेवेटर इज यूज्ड फॉर डिगिंग एट और बिलो द ऑपरेटिंग लेवल। कौन सा ऐसा टाइप ऑफ एक्सकेवेटर है जिसको चाहे तो एट या बिलो द ऑपरेटिंग लेवल हम लोग डिगिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्रैग लाइन। ड्रैग लाइन को हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक्सकेवेटर का टाइप है जिसको हम लोग एट और बिलो ऑपरेटिंग लेवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे आप ये फिगर देख रहे होंगे, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रैग लाइन।
ड्रैग लाइन कुछ इस प्रकार वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे भी वायर सिस्टम से ही काम करता है सब चीज़। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, टाइप ऑफ एक्सकेवेटर कैरीज द स्कीमर एट लोअर एंड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फ्रेंड स्कीमर। स्कीमर ही एक ऐसा एक्सकेवेटर है जिसको हम लोग स्कीमर एट द लोअर एंड पे इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आता है आर यूज टू एक्सकेवेट अंडर वाटर मटेरियल। कौन सा ऐसा है यहाँ पे है कि जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं अंडर वाटर एक्सकेवेटर के रूप में, तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रेडेगर, ठीक है, ड्रेडेगर के नाम से जानते हैं जिसको यहाँ पे अंडर वाटर एक्सकेवेटर के लिए इसको जाना जाता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे ये अंडर वाटर काम कर सकता है, अंडर वाटर आपको डिगिंग कर सकता है। यहाँ पे जब किसी नदी या समुद्र में वहाँ पे कुछ बनाना होता है, कोई स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना होता है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और देखिए ड्रेगर को भी यहाँ पे दो टाइप है, एक बैकेट ड्रेगर, एक बैकेट लैडर ड्रेगर, ठीक है। मैकेनिकल ड्रेगर के ही दो टाइप होता है, बकेट ड्रेगर और बकेट लैडर ड्रेगर। ड्रेगिंग इज द ऑपरेटिंग ऑफ रिमूविंग मटेरियल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वाटर एनवायरमेंट एंड रिलोकेटिंग इट टू अनदर। एक पार्ट से हटाया जाता है उसको वहाँ अलग, यहाँ पे जैसे फील आउट कर रहा है, तो इस प्रकार में यहाँ पे वर्क होता है। इसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन, और ड्रेग अ फिल इन द ब्लैक्स ड्रेगर कंजिस्ट ऑफ एन इंडलेस चेन ऑफ बकेट माउंटेड ऑन लैडर। तो कौन सा ऐसा है जिसमें ड्रेगर का ही कि जिसमें बहुत सारा वहाँ पे क्या होता है, बकेट माउंटेड होता है बहुत सारा चैन से, इंडलेस चैन के द्वारा, तो ये बकेट लैडर ही होता है जैसे हम लोग टाइप पढ़े थे। उसके बाद 19 नंबर क्वेश्चन है, इस यू टू एक्सकेवेट द ट्रेंचेज ऑफ बीड्थ फ्रॉम 250 mm टू 450 mm एंड डेप्थ 4 meter विथ एक्यूरेसी एंड स्पीड। देखिए कौन सा यहाँ पे है कि जिसको हम लोग विड्थ 250 mm और 450 mm एंड डेप्थ 4 mm एक्यूरेसी या स्पीड के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं डीचर। डीचर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 250 mm टू 450 mm विड्थ पे और डेप्थ 4 meter एक्सकेवेटर के रूप में। यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं ये एक्सकेवेट करते जा रहा है, तो इसका बीर्थ वहाँ पे 250 to 450 दिया गया था। 20 नंबर क्वेश्चन है, टाइप ऑफ ट्रेंचेज कैन डिग अ ट्रेंच अप टू 10 meter इन डेप्थ एंड 4 meter इन बीर्थ। कौन सा ऐसा टाइप ऑफ ट्रेंचर है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 10 meter डेप्थ को बनाने के लिए या 4 meter बीर्थ को बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लैडर टाइप ट्रेंचर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जो ट्रेंच बनाने के लिए 10 meter टू 4 meter डेप्थ के लिए, ठीक है। इसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन, इन अ ट्रेंचर अ सीरीज ऑफ अ स्मॉल कटिंग फिल इन द ब्लैक्स अटैच टू टू इंडलेस चैन विच आर सपोर्टेड बाई अ बूम। देखिए इन कौन सा ऐसा ट्रेंचर है जिसमें स्मॉल कटिंग होता है जो अटैच होता है टू इंडलेस चैन से जो कि सपोर्टेड बाय ए बूम के द्वारा सपोर्ट किया जाता है। तो ये बकेट टाइप ट्रेंचर होते हैं जिनमें बहुत सारा बकेट लगाया जाता है और चैन बहुत सारा लगाया हुआ होता है। फिर 21 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैक्स इक्विपमेंट आर यूज्ड टू डिक्रीज द पोरोसिटी ऑफ अर्थ एंड टू इंक्रीज द डेंसिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थ। इनमें से कौन सा ऐसा इक्विपमेंट है कि जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं पोरोसिटी ऑफ अर्थ मटेरियल को कम करने के लिए और इंक्रीज करने के लिए डेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ अर्थ मटेरियल को, तो ये होता है कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन इक्विपमेंट का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं पोरोसिटी को कम करने के लिए और डेंसिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, वह 22 नंबर क्वेश्चन, टाइप ऑफ रोलर्स रिले अपॉन द डेड वेट टू कैरी आउट कंसोलिडेशन वर्क। तो ये डेड वेट टाइप ऑफ रोलर होता है जिसको हम लोग डेड वेट कैरी करने के लिए कंसोलिडेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, देखिए फिल इन द ब्लैक्स रोलर इज अ मल्टीपर्पज रोलर विच इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस एंड फॉर प्रैक्टिकली ऑल टाइप ऑफ रोड। ये है स्मूथ व्हील्ड, इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्मूथ व्हील्ड रोलर का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं मल्टीपर्पज रोलर के रूप में और इसको वेरियस पर्पसेस के लिए रोड पे भी इस्तेमाल किया जाता है। द फिल इन द ब्लैक्स कॉम्पैक्ट सॉइल टू द अर्थ सरफेस वैली। तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन है कि जिसको हम लोग कॉम्पैक्ट सॉइल और क्लोज टू द अर्थ सरफेस
ओनली के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो यह है अर्थ रैमर्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का वो है और द मोस्ट कॉमनली यूज इक्विपमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। कौन ऐसा है कि मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट का ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो है ट्रैक्स। ट्रैक्स का ही इस्तेमाल हम लोग ज़्यादातर करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इक्विपमेंट के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन है, इज अ सेल्फ प्रोपल्ड मशीन विच इज यूज मेनली टू एग्जर्ट अ पावरफुल ट्रैक्टिव फोर्स फॉर पुलिंग अदर मशीन। इनमें से कौन सा ऐसा है जो प्रोपल्ड मशीन है जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रैक्टिव फोर्स के लिए, जो पुलिंग ऑफ मशीन्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ट्रैक्टर। ये पहले वाले क्वेश्चन में भी हम लोग कर सकते हैं, कर लिए हैं। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन है, द ट्रैक्स विथ ऑटोमेटिक अनलोडिंग डिवाइस आर कॉल्ड। ऐसा ट्रक जिसमें ऑटोमेटिक अनलोडिंग डिवाइसेज लगाए जाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डिवाइस का नाम है डंप ट्रक्स। डंप ट्रक्स अभी देखिए अशोक लीलैंड ये कंपनी है, इसमें डंप ट्रक्स बनाते हैं। अभी अब टाटा, ये अभी टाटा के यहाँ पे हम आपको फिगर दिखाए हैं, तो देखिए ये क्या है, ये डंप ट्रक्स होते हैं जिनमें क्या ऑटोमेटिक अनलोडिंग सुविधा दिया हुआ होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक वैक्यूम टाइप पाइप लगाया जाता है, ये पाइप क्या अनलोडिंग पर्पसेस के लिए। ये क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोलिक टाइप यहाँ पे लगाया जाता है, जिससे क्या होता है ये अनलोड ऑटोमेटिक हो जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, और वेरी यूजफुल फॉर हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल लाइक ब्रिक्स एग्रीगेट स्कैफोल्डिंग इटीसी। कौन सा ऐसा है कि जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इक्विपमेंट मटेरियल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ब्रिक एग्रीगेट स्कैफोल्डिंग, इसलिए तो इसको हम लोग बोलते हैं डंपर्स। डंपर्स का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसपोर्टेशन के लिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, और एक्स्ट्रा वैगन्स अटैच टू द ट्रैक्टर्स और ट्रैक्स। कौन सा ऐसा है, एलिवेटर्स, कॉन्वेयर्स या ट्रेलर्स या डंपर। और एक्स्ट्रा वैगन्स, एक्स्ट्रा लगाया जाता है ट्रैक्टर्स में किसी चीज़ को और भी अटैच करने के लिए और भी लोडिंग को खींचने के लिए, तो वह करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है वो है ट्रेलर। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद इसको हम लोग आंसर को भी मिला लेते हैं। देखिए ट्रेलर, इसी को बोलते हैं ट्रेलर, जो मेनली डल्ला बोला जाता है, सिंपल भाषा में समझिए डल्ला। ठीक है, डल्ला ये हम लोग का मगही भाषा बोल सकते हैं, बिहारी भाषा डल्ला। ठीक है, तो डल्ला बोला जाता है ट्रेलर, इसको इस्तेमाल किया जाता है अनदर वैगन्स के रूप में ट्रैक्टर में। इसके बाद 30 नंबर क्वेश्चन है, आर यूज्ड फॉर वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीगेट एंड वेट कॉन्क्रीट ऑन लार्ज प्रोजेक्ट साइट। जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं लार्ज प्रोजेक्ट साइट पे वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं एलिवेटर्स। करेक्ट ऑप्शन एलिवेटर्स है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है वो है, इन ऑर्डर टू रेज एंड शिफ्ट हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर अनदर द फिल इन द ब्लैक्स आर एम्प्लॉयड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिक वर्क्स। अगर हम लोग को शिफ्ट करना है हैवी लोड्स को एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक, तो किसको हम लोग लगाते हैं ब्रिक वर्क्स में, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है वो है एलिवेटर्स। एलिवेटर्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंस्ट्रक्शन और ब्रिक पर्पसेस के लिए, शिफ्ट करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, ए फिल इन द ब्लैंक्स कंजिस्ट ऑफ कॉइल हुज डायमीटर इज अबाउट 50 mm टू 100 mm। इनमें से कौन सा ऐसा है कि जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉइल जिसका डायमीटर अबाउट 50 mm टू 100 mm है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है वो है टावर क्रेन। टावर क्रेन जो होता है वो कंजिस्ट करता है कॉइल का जिसका डायमीटर 50 mm टू 100 mm होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स ड्रिलिंग हैज रैपिडली बिकम एन इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव टू ऑटोडेटेड मैकेनिकल होल ड्रिलिंग मेथड्स। इनमें से कौन सा ऐसा है कि जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं ड्रिलिंग ऑफ रैपिडली, जो इनएक्सपेंसिव होता है और ऑटोडेटेड मैकेनिकल होल ड्रिलिंग मशीन के रूप में इसको इस्तेमाल किया जाता है मेथड्स के रूप में, तो यह होता है लेजर ड्रिलिंग। लेजर ड्रिलिंग को रैपिडली इस्तेमाल किया जा रहा है, इनएक्सपेंसिव है जिस मतलब में। 34 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स लेजर ड्रिलिंग यूजेज अ रैपिड फायर बर्स्ट ऑफ पल्सेस माइक्रो मशीनिंग मेथड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है परक्यूजन लेजर ड्रिलिंग,
ये लेजर ड्रिलिंग का ही टाइप है। इसका इस्तेमाल किया जाता है रैपिड फायर बस्ट और पल्सेस माइक्रो मशीनिंग मेथड के लिए। फिर है 35 नंबर क्वेश्चन, लेजर ड्रिलिंग इज अ मेथड यूज टू रिमूव सिलेंड्रिकल कोर और सिलेंड्रिकल डिस्क फ्रॉम अ सब्सटेंस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो इस्तेमाल किया जाता है लेजर ड्रिलिंग मेथड के लिए और सिलेंड्रिकल कोर है जिसमें, तो है ट्री पैनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैक्स यूज टू हीट बिटुमिन बिफोर इट इज अप्लाइड ऑन द रोड सर्फेस। रोड सर्फेस पे अप्लाई करने से पहले जो बिटुमिन को हीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोला जाता है, डोजर, कॉन्क्रीट मिक्सर, ग्रेडर या बिटुमिन बॉयलर। करेक्ट ऑप्शन इज डी, बिटुमिन बॉयलर। ठीक है, इसी को बोला जाता है बिटुमिन बॉयलर। जब हम लोग को बिटुमिन इस्तेमाल करना होता है उससे पहले हीट किया जाता है, उसी को बिटुमिन बॉयलर के नाम से जानते हैं उस इक्विपमेंट को। इज मेनली यूज्ड फॉर ग्रेडिंग पर्पसेस। कौन सा ऐसा है जो ग्रेडिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो है डोजर। डोजर को हम लोग ग्रेडिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर 38 नंबर क्वेश्चन है, इज यूज्ड फॉर डिजाइनिंग द ओल्ड रोड टू प्री डिटरमाइंड डेप्थ, तो है अस्कारीफर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं डिजाइनिंग ऑफ ओल्ड रोड और प्री डिटरमाइंड डेप्थ के लिए। 39 नंबर क्वेश्चन है, इस यूज्ड फॉर रोलिंग एंड कॉम्पैक्टिंग ऑफ द सबग्रेड द बेस एंड द सब सरफेस ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ रोड्स, तो इसको हम लोग बोलते हैं, करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है रोड रोलर। रोड रोलर का ही यूज किया जाता है रोलिंग और कॉम्पैक्टिंग ऑफ सबग्रेडेड के लिए, सबग्रेड के लिए। 40 नंबर क्वेश्चन है, इस यूज फॉर कैरिंग आउट द अर्थवर्क ऑपरेटिंग ऑफ अ रोड, तो इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, तो स्क्रैपर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं कैरिंग ऑफ अर्थवर्क और ऑपरेशंस ऑफ रोड के लिए। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है, गैंट्री कंजिस्ट ऑफ अ प्लेटफॉर्म विच रिसीव्स और डिस्ट्रीब्यूट्स द मटेरियल्स। 41 नंबर क्वेश्चन है ये, तो इसमें प्लेटफॉर्म ही क्या है, एक गैंट्री होता है जो कंजिस्ट करता है प्लेटफॉर्म और रिसीव करता है डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल को भी वो कर सकता है। 42 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैक्स आर यूज्ड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोप्स एंड टू रेज ग्रेटर लोड्स विथ लेस एफर्ट्स। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं चेंजिंग डायरेक्शन पर्पसेस के लिए एंड रेजिंग ऑफ ग्रेटर लोड्स के लिए लेस एफर्ट्स से, कम एफर्ट लगाएं और ज़्यादा लोड को उठा ले इसके लिए, तो पुली ब्लॉक्स का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ फिल इन द ब्लैक्स द मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड विथ अ कंटिन्यूअस फ्लो एट कंपेरेटिवली हाई स्पीड। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कंटिन्यूअस फ्लो में बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड से, तो उसको बोलते हैं कन्वेयर्स। 44 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ ड्रिल बीट इन अ ड्रिल टू प्रोड्यूस सिलेंड्रिकल होल्स इन सॉलिड मटेरियल सच एज वुड और मेटल। इनमें से कौन सा ऐसा है पंपिंग, हॉलिंग, ड्रिलिंग और एक्सकेवेटिंग जिसको हम लोग ड्रिलिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे सिलेंड्रिकल होल बनाने के लिए सॉलिड मटेरियल में जैसे वुड और मेटल में, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिलिंग को। ड्रिलिंग ही प्रोसेस है जिसको इस्तेमाल किया जाता है। फिर 45 नंबर क्वेश्चन है, द टर्म फिल इन द ब्लैक्स इज यूज टू इंडिकेट अ स्पेसिंग ऑफ द ड्रिल होल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रिलिंग पैटर्न। ड्रिलिंग पैटर्न ही को ही इस्तेमाल यूज किया जाता है इंडिकेट करने के लिए स्पेसिंग ऑफ ड्रिल होल्स को, ड्रिलिंग पैटर्न। 46 नंबर क्वेश्चन है, इन फिल इन द ब्लैक्स टाइप ऑफ ड्रिल द ग्राइंडिंग ऑफ रॉक इनटू स्मॉल पार्टिकल्स इज कैरिड आउट थ्रू द एब्रेसिव इफेक्ट ऑफ अ बीट विच रोटेट्स द होल। कौन सा ऐसा है यहाँ परक्यूजन, अप्रेशन और पैरिमिडल और सेंटर कट, ये क्या कौन सा ऐसा टाइप ऑफ ड्रिल है जिसको ग्राइंडिंग ऑफ रॉक के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो स्मॉल पार्टिकल्स के लिए जहाँ पे एब्रेसिव इफेक्ट हो, यहाँ पे है एब्रेशन इज करेक्ट ऑप्शन, हम लोग का यहाँ है बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर 47 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैक्स इज अ रोटरी ड्रिल एंड इट कंजिस्ट ऑफ स्टील पाइप स्टेम एंड ऑन द बॉटम ऑफ विच इज अटैच्ड टू अ रोलर बिट।
तो इनमें से करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है 47 में, वो है ब्लास्ट होल। ब्लास्ट होल क्या है, एक रोटरी ड्रिल होता है जो कंसिस्ट करता है स्टील पाइप का और पाइप स्टेम का, जो बॉटम जिसमें अटैच होता है एक रोलर बिट, ये होता है ब्लास्ट होल। ठीक है, इसको ब्लास्ट होल के नाम से जानते हैं। ब्लास्ट होल ड्रिल क्या करता है, ये रोटेट करता है ओवर द रॉक और डिसइंटीग्रेट और इट कटिंग और रिमूव बाय अ स्ट्रीम ऑफ कंप्रेस्ड एयर। कटिंग जो होता है यहाँ पे कंप्रेस्ड एयर के द्वारा इसको रिमूव किया जाता है। द ब्लास्ट ऑफ कंप्रेस्ड एयर ऑल्सो कूल्स डाउन द बीट, और यहाँ पे जो ब्लास्ट होता है तो कंप्रेस्ड एयर क्या करता है, उसको कूल कर देता है। ब्लास्ट होल ड्रिल इज सेल्फ प्रोपल ड्रिल, इसको सेल्फ प्रोपल ड्रिल के भी नाम से हम लोग जानते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, इज ए सेल्फ प्रोपल ड्रिल, इनमें से कौन सा ऐसा है जो सेल्फ प्रॉपर ड्रिल है। तो देखिए 47 नंबर क्वेश्चन में ही अभी पढ़े हैं कि क्या ब्लास्ट होल ड्रिल क्या है, सेल्फ प्रॉपर ड्रिल है। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हम लोग का है ब्लास्ट होल ड्रिल, सी नंबर क्वेश्चन, जैसा कि ब्लास्ट होल ड्रिल दिखा दिए फ्रेंड। इस प्रकार ब्लास्ट होल ड्रिल होता है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये है। यहाँ पे क्या होता है कि इसको जब जमीन पर रखा जाता है तो यहाँ पे आवाज़ कर करके क्या होता है कि यहाँ पे ब्लास्ट, सिंपली ब्लास्ट होल ड्रिल ये समझिए कि क्रॉवल टाइप होता है ये वाला मशीन, ये सेफ प्रोपल्ड ये काम करता है। यहाँ पे एयर कंप्रेस्ड एयर का इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर रॉक उक पे जब कट करेगा ये तो वहाँ पे कंप्रेस्ड एयर के द्वारा साफ सफाई किया जाता है। इसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, बीट्स आर स्पेशली यूज फॉर वेरी हार्ड मटेरियल्स, तो है डायमंड ड्रिल। डायमंड ड्रिल बीट्स क्या होता है, वो इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही, अगर हार्ड मटेरियल है तो डायमंड ड्रिल का इस्तेमाल से हम लोग उसको कट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं, तो देखिए फ्रेंड टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग कर लिए ए सी टी ई का हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे किए। सो फ्रेंड जो भी इस चैनल पे न्यू मेंबर हैं, चैनल को प्लीज़ से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर को शेयर करें, और उनको भी बोलें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब कराइए। आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। ठीक है फ्रेंड, सो थैंक यू ऑल एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डिप्लोमा विद सोनू।